दोस्तों, आपने जैसे कौन सी जगह पर जाए तो बहुत जैसे बीमारी के लिए अलग अलग पेड़ है और पेड़ में वो बहुत औषधीय गुण है, जैसे कोई दवा और बाहर की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। इतनी जुड़ी बूटी अपने पूरे भारतवर्ष में है, इसीलिए जैसे देखा जाए, आप ये देखिए कि बबूल का पेड़, और बबूल के पेड़ के लिए ऐसे छोटा छोटा फल लग जाता है, उसमें बहुत कैल्शियम की मात्रा आ जाती है। जैसे बकरी भेड़ के लिए कैल्शियम की कमी रहेगी तो उस टाइम जैसे आप उन कैल्शियम दे सकते हैं। और अभी सर्दी के मौसम में जैसे बहुत उनसे सर्दी का तकलीफ होती है, जैसे सर्दी ज़्यादा टाइम रुकी तो न्यूमोनिया जैसी बातें हो सकती है आगे जाके, तो वैसे उनको सर्दी ना होने के लिए जैसे बेर का पत्ता खिला सकते हैं। और उनको पेट में तकलीफ है या कोई ब्लड से संबंधित संबंध उनका रक्त खराब है कुछ, तो उनको और डिवार्मिंग करते, डिवार्मिंग यानी तो लिम का पत्ता खिला सकते। निम निम मालूम है आपको? निम का पत्ता, अभी देखिए इधर निम का पत्ता है, छोटा सा पेड़ है ये। तो ऐसे कितने औषधीय गुण वाली वनस्पति आपने इधर रहती, सिर्फ आप उनको उनका ढालिया निकाल के उनको खिलाना जरूर दे, जैसे जिसको जी तकलीफ है। वैसा नीम का पत्ता तो मैं बोलता हूँ महीने के अंदर खिलाए तो भी चलेगा, इतना डिवार्मिंग देने की जरूरत नहीं उनको। 90 दिन में आपने इधर डिवार्मिंग दी थी भेड़ बकरी के लिए। हाँ, तो ये भेड़ बकरी, अभी देखो ये नीम का पत्ता है, ये नीम का पत्ता जैसे खिलाओ, उनका पेट का दर्द रहने दो, उनका रक्ताभिसरण खराब हुआ रहने दो, उनका ब्लड अच्छे से सुधारेगा, उनका खून अच्छे तरह से साफ होती जाएगा। देखो बकरी कितने खाती है, खून अच्छे तरह से साफ होएगा, खून साफ होगा तो बहुत जैसी बीमारी से बचेगी वो, इसीलिए उनको लिम लिम का पत्ता खिलाओ, बबुल बबुल का पेड़ का पत्ता खिलाओ। बबुल का पेड़ तो बहुत प्रोटीन और बहुत मूल्य द्रव्य देता है उसको, और नीम का पत्ता खिलाने से तो बहुत ज़्यादा फायदे है उसको, बहुत भोगुनी है लिम्ब नीम। और देखो देखो कितना बकरी खा रही, मैं पकड़ा तो लगी बकरी आ गई। तो ऐसे अलग 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 उनको बहुत, आपने सभी बीमारी के लिए सभी पेड़ इधर है, ऐसे कोई कोई नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उनको सिर्फ एक्सीडेंटली उनको डॉक्टर की ज़रूरत है और दवा की ज़रूरत है, इसलिए कोई उनको डॉक्टर और दवा की ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए चाह, हमारे खेती वाले जैसे कुछ बीमारी हो गई तो लगे से उनको डॉक्टर की यार दवा लाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जैसे आप लगे अपना आपने को मालूम, आपने को जैसी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आप उनको ऐसे खिलाना चाहिए, और जैसे पत्ता तो खिलाना चाहिए, जैसे कौन सा ही पेड़ का जो खाती है बहुत पसंद करती तो वो तो खिलाती जाए, लेकिन नीम का पत्ता हफ्ते में महीने में 2 महीने में उनको बहुत खिलाते खिलाया करो, जरूर उनकी तबीयत भी, जैसे उनको खाद भी अच्छा हो जाएगा और उनकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। जैसे बहुत औषधीय गुण उन गुणों से अपने इधर के पेड़ है, नीम तो बहुत औषधीय गुण का पेड़ है, और ये बबुल का पेड़ कितना पत्ता मस्त खाती है इधर, इसको बबुल के पेड़ के लिए काटे तो बहुत रहते लेकिन बहुत पसंद करती खाने के लिए। हाँ, इसीलिए दोस्तों डॉक्टर तो बहुत एक्सीडेंटली लग जाता है, लेकिन इसीलिए मैं जेड़ पौधे की आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए ये वीडियो बनाना चाहे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ये भेड़ बकरी संभालते हुए मैं आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मिलेंगे ऐसी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर।